हेलो फ्रेंड, वेलकम इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। देखिए, पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने क्या लिया था, पिछले दिन वाले वीडियो में क्वेश्चंस ले रहे थे, कुछ और क्वेश्चंस भी कर देते हैं। ठीक है, तो फिर बढ़ते हैं आगे हम लोग क्वेश्चंस में। एक जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, चौथा क्वेश्चन है, तीन हो चुके थे। Q इक्वल टू ए टी माइनस बी टी स्क्वायर, ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ए टी माइनस बी टी स्क्वायर कूलम है, चार दिया हुआ है। वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, ये दोनों क्या हैं? कॉन्स्टेंट हैं। समझ में आ रहा है? अब इसमें पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम व्हेन करंट बिकम्स जीरो। करंट क्या हो जाए? बिकम्स जीरो हो जाए, वो वाला टाइम पूछता है। ठीक है ना, क्लियर है? नहीं क्लियर बेटा? तो अब इसमें वही चीजें हैं, Q इक्वल टू दिया हुआ है, यानी क्यों दिया हुआ है, तो हमको क्या निकालना है? करंट निकालना पड़ेगा, और करंट पूछ रहा है कि जीरो होना है, तो पहले करंट निकालेंगे तभी जीरो करेंगे ना। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर इस क्वेश्चंस में देखें तो I इक्वल टू पहले क्या करेंगे? करंट निकालेंगे, क्यू डी क्यू बाई डी टी, यानी कि डिफ्रेंशिएशन। अब इसका डिफ्रेंशिएशन अगर करें हम लोग, डी बाई डी टी ऑफ ए इंटू टी माइनस डी टी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बेटा? करेक्ट, इसका कितना आएगा? ए माइनस टू बी टी। ठीक है, ये करंट अपने पास आ गए। अब इसे पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम व्हेन करंट बिकम्स जीरो, करंट जीरो हो जाए। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आई इक्वल टू क्या है? जीरो है, यहां पे जीरो रख दो। देयरफॉर ए माइनस बी टी इक्वल टू जीरो टू बी टी, तो 2bt की वैल्यू कितनी आएगी? a, तो t की वैल्यू कितनी आएगी? a अपॉन 2b, यानी कहने का मतलब इस टाइम पर करंट क्या होगी? जीरो होगी। ठीक है ना, मतलब करंट कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो हम लोग ने बताया, अब एक आते हैं अगले क्वेश्चंस में पढ़ेंगे जिसमें हम लोग स्लोप का निकालेंगे। जैसे इक्वेशन दी थी, इक्वेशन बेस पे निकाल लिया, अब एक ग्राफ बेस पे निकालेंगे करंट कितनी होगी या चार्ज कितना होगा। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये ग्राफिकल है, ग्राफिकल वाला भी समझ लेते हैं, है ना। एक ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, किसके बीच ग्राफ दिया हुआ है? मान लिया आई और टी के बीच, आई और टी के बीच में ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, यहां से स्टार्ट हुई ग्राफ यहां तक गया। ये मान लिया t इक्वल टू कितना है? 1 सेकेंड, और ये t इक्वल टू कितना है? मान लिया कोई भी टाइम दे रखा है, 4 सेकेंड दे रखा है। मतलब कहने का 1 सेकेंड पे करंट क्या है? जीरो है, और 4 सेकेंड पे करंट क्या हो गई? मान लिया 2 एम्पीयर दिया हुआ है। तो इसमें तुमसे पूछ रहा है कि कितना चार्ज फ्लो होगा, क्या होगा, कितना चार्ज फ्लो होना है, कहां से कहां? 1 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में। अब इसमें देखो आईटी ग्राफ दिया हुआ है, इसका मतलब हमको चार्ज निकालने के लिए हमको कह रहा है फाइंड चार्ज। ठीक है ना, हमको चार्ज निकालना है। तो जब फाइंड चार्ज करना है तो हम लोग क्या करेंगे? इसका स्लोप निकालेंगे कि एरिया निकालेंगे? नेचुरल है, आई टी ग्राफ दिया है, क्यू निकालना है, तो क्यू इक्वल टू क्या है? इंटीग्रेशन आई इंटू डी टी। तो हमको क्या करना पड़ेगा? एरिया निकालना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे एरिया निकालना है, अब इसका जब एरिया निकालना है तो एरिया का अपन ने फार्मूला पढ़ रखा है, क्या पढ़ा था कि हमको एरिया फाइंड करना है, तो एरिया इक्वल टू क्या होता था ग्राफ में? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता था। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इसमें अगर देखें तो बेस तो यहां से यहां तक है, ये क्या है? बेस। ये क्या है? हाइट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बेस और हाइट।
तो बेस की वैल्यू कितनी होगी, 4 में से 1 घटाएंगे यानी कितना आएगा 3, और हाइट कितनी आएगी 0 से लेकर 2 एम्पियर तक, तो हाइट कितनी होगी 2। तो कहने का मतलब बेस कितना हुआ 4 माइनस 1 और हाइट कितनी हो गई 2, तो कितना आ जाएगा बेटा इंटू 3 इंटू 2 यानी 2 से 2 गया तो कितना आ जाएगा 3, यानी इतना चार्ज फ्लो होगा किसके बीच में 1 से 4 सेकंड के बीच में। ठीक है, नोट करिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो फिर अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा, करेंट डिक्रीजेज लीनियरली घट रही है स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 4 एम्पियर टू 0 एम्पियर। ठीक है ना, मतलब 4 एम्पियर से करंट कितने में घट रही है 0 एम्पियर। ठीक है, इन 10 सेकेंड, कितने टाइम में 10 सेकेंड, यानी कि पहले करंट कितनी फ्लो हो रही है 4 एम्पियर और 0 एम्पियर हो रही है 10 सेकेंड में हो रही है। ठीक है, कैलकुलेट द चार्ज, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कैलकुलेट द चार्ज फ्लो थ्रू द वायर फ्लोन थ्रू द वायर ड्यूरिंग दिस इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब इस टाइम में कितना चार्ज फ्लो होगा। ठीक है ना, अब इसमें देखा जाए तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा रिलेशन लगाया जाए भाई। ठीक है, क्यों भी नहीं लगा सकते, करंट घट रही है कहां से कहां, 4 एम्पियर से 0 एम्पियर। ठीक है, अब यहां पर अगर देखें तो हमको चार्ज निकालना है तो कुछ हमको यहाँ पर कुछ सोचना पड़ेगा, इसी रिलेशन में सोचना पड़ेगा। तो इसमें इस तरीके का फार्मूला जब कुछ ऐसा लीनियरली ना दिया यानी कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता था तो हम लोग क्या निकालते थे, एस इक्वल टू एवरेज स्पीड इनटू टाइम यानी यू प्लस वी अपॉन 2 इनटू टाइम करते थे, वही चीज इसमें यानी कि जब कुछ भी ना समझ में आए तो चार्ज इक्वल टू क्या करेंगे एवरेज टाइम इंटू करेंट। समझ नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा, या एवरेज करेंट कर लो, एवरेज करेंट इंटू टाइम। अब एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, एवरेज कैसे निकालते थे, दोनों को जोड़ते यानी कि 4 प्लस 0 अपॉन 2 इंटू टाइम कितना है 10 है, कितना आ जाएगा 2 × 10 = 20 कूलम। दैट विल बी आंसर। समझ में आया कि नहीं आया भाई, क्लियर होने क्लियर हुआ। एवरेज करंट मतलब 4 एम्पियर से 0 एम्पियर, तो एवरेज निकालने के क्या करेंगे, फाइनल प्लस इनिशियल अपॉन 2, जैसे अपन डिस्टेंस में करते हैं याद आ रहा, एस इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 × t। ये क्या था, वी एवरेज ही था, ये एवरेज वेलोसिटी तो थी, वही चीज अपन को करना है यहाँ पर। ठीक है ना, नोट करिए फिर अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आइए फिर एक क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, इसमें है लास्ट क्वेश्चन है, नोट करिए सब लोग, इन ए डिस्चार्ज ट्यूब, इन ए गैस डिस्चार्ज ट्यूब, एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब है। ठीक है, ट्यूब 3 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड आर फ्लो फ्रॉम
लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट डायरेक्शन से राइट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। वाइल टू इंटू 10^18 पॉजिटिव आयंस, लेफ्ट डिस्चार्ज टू में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस होते थे, ये भी मोशन कर रहे हैं लेकिन पर सेकेंड ए पी है, यानी कि टाइम की वैल्यू कितनी है, एक सेकेंड है, पर सेकेंड आर मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब राइट डायरेक्शन से किधर जा रहे हैं, लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है। फाइंड टोटल करेंट, फाइंड टोटल करेंट फ्लो थ्रू द ट्यूब, यानी ट्यूब में टोटल करेंट कितनी फ्लो हो रही है, ऐसा बोल, ठीक है। हमने आपको पहले ही बताया था कि गैस डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है भाई, अपने पास कोई भी ट्यूब ग्लास बना दो ग्लास का, उसके अंदर इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं, प्लेट ऐसे लगा दिया जाता है, ठीक है। इसमें हम लोग बैटरी लगाते हैं, बैटरी लगाने पे क्या होगा, ये प्लस, ये क्या होगा प्लस, ये क्या होगा माइनस। अब इसको लो प्रेशर करते हैं, लो प्रेशर करने के बाद क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस बनते हैं। इसमें कह रहा है लेफ्ट से राइट क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है सब इस डायरेक्शन में जा रहे होंगे, ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से पॉजिटिव आयंस जो हैं प्लस वाले वो इस डायरेक्शन में जाएंगे, यानी एक लेफ्ट टू राइट और एक राइट टू लेफ्ट भी हो सकते हैं। इसमें जो भी क्रॉस सेक्शंस है ध्यान से समझना, तो एक इधर जा रहा है एक उधर जा रहा है, यानी कि करंट क्या होगी, दोनों की वजह से होगी कि नहीं होगी, दोनों की वजह से, यानी कि पॉजिटिव आयंस की वजह से भी हो नेगेटिव आयंस की वजह से। अब इसमें पॉजिटिव आयंस दे रखा है 2 × 10^18 पॉजिटिव आयंस पर सेकंड, और इलेक्ट्रॉन कितने दिए 3 × 10^18, यानी कि एन की वैल्यू दी है कि नहीं दी है। अच्छा, हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई, आई इक्वल टू एन ई अपॉन टी, ये पढ़ा था। अब इसमें अगर एक चीज देखो तो दोनों की करंट वजह से हो गए, यानी कि आई जो नेट होगा आई इलेक्ट्रॉन की वजह से और आई पॉजिटिव आयंस की वजह से, यानी कि पी लिख लिया, ठीक है, क्लियर है। तो अब इसमें देखा जाए एन ई अपॉन टी कितना दिया हुआ है, 3 × 10^18 अपॉन 1 × E हो गया। इसी तरीके से पॉजिटिव आयंस अपॉन टी करेंगे तो क्या होगा, 2 × 10^18 टाइम एक सेकंड दे रखा है इंटू ई, दोनों वैल्यू रख सकते हैं तो क्या आ जाएगा, एन ई अपॉन टी प्लस एन टी अपॉन टी। अब इसमें देखो तो एन वन मान लें, इसको एन टू मान लें, इसमें भी एन वन हो गया, ये एन टू हो गया, ठीक है। इसमें ई बाहर ले सकते हैं तो क्या हो जाएगा, एन वन अपॉन टी प्लस एन टू अपॉन टी, वैल्यू रख दो ना, टी की वैल्यू कितनी है 1.6 × 10^-19। अब इसमें जो वैल्यू रखेंगे क्या आएगा, 3 × 10^18 प्लस 2 × 10^18, ये हुआ। अच्छा देखो, इसमें दोनों की पावर क्या है, सेम है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1.6 × 10^-19 × 3 × 2 कितने हो गए, 5 × 10^18। ये कितना होगा भाई, 16 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा भाई, यहाँ देखो ध्यान से, 80, ठीक है, 8 × 10^-1 आएगा कि नहीं आएगा, यानी नीचे जाएगा 8/10, यानी कि 0.8 एम्पीयर। डायरेक्शन कौन सी होगी भाई, पॉजिटिव आयंस की तरफ से होता है, पॉजिटिव आयंस डायरेक्शन में था तो राइट टू लेफ्ट, यानी कि कहां से कहां फ्लो होगी करेंगे,
राइट टू लेस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? क्लियर होने क्लियर हुआ कि करंट कहां से कहां? इसको राइट डायरेक्शन मान लो भाई, इसको लेफ्ट डायरेक्शन मान लो, तो राइट से लेफ्ट और क्या। अब उसको उल्टा मान लो तो उल्टा मान सकते हैं, तो लेफ्ट टू राइट हो जाएगा, कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है, नोट करिए फिर कुछ बता रहे हैं तो इसके बारे में। तो भाई साहब आज के वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चंस के बारे में देखा, आपको जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे बताया है, लेकिन इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है जो अपने को ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह के बाद में आए, जैसे डेंसिटी वगैरह दी होती है, ठीक है ना। तो जब आप लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ लेंगे तब उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिलहाल ही जितने अपन ने फार्मूले बताए थे उसके हिसाब से सभी क्वेश्चन को हम लोग ने एक एक करके डिस्कशन किया, बाई कैलकुलेशन, बाई सब कुछ। अगर इनकेस कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप व्हाट्सएप पे करके पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ये ठीक है। आपको इस वीडियो के साथ कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी देंगे हम आपको, उसको आपको स्टडी मटेरियल पे आपके अपलोड होगा, उन क्वेश्चंस को भी आपको करना है, करंट के बारे में देंगे। हो सकता है उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह क्वेश्चन हो तो उसको अभी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ करंट और चार्ज के क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चंस को करना है आपको, स्टडी मटेरियल में अपलोड होगा, ठीक है ना। तो फिलहाल करंट और ये सब वेलोसिटी में इतनी ही। अब हम लोग इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, जो कंडक्टर में थर्मल वेलोसिटी होती है, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम होता है, मीन एवरेज वेलोसिटी होती है, वो सब चीज़ें हम लोग को एक कंपेयर करके निकालना होगा गैस मॉलिक्यूल के, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक यू।